गर्म कपड़े आपको, टोपी चाहिए, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर ठंड का कुछ भी चाहिए तो पे आप देख रहे हो शुगर एंड ब्लड प्रेशर की सुविधा ही मिल जाएगी, मतलब जांच कराना वो भी हो जाएगी, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल है, सब कुछ है ना। तो भाई फिलहाल हम भी बैठ गए हैं यहाँ पे, जो माला बन रही है ना वो ऐसे उनको लंबी करनी है, गेंदे के फूल हैं और ये सारे मंदिर पे लगने वाले हैं। जो फाइनली जो दिन था 10 मई वो नज़दीक आ गया और कल बाबा की डोली लगभग 12-1 बजे के आसपास से अपने दरबार पहुंच जाएगी। सो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPT ब्लॉग पे। तो दोस्तों कैसे हो, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब बाबा केदार का जो मंदिर है वो सजना स्टार्ट हो चुका है। आज है 8 तारीख और कल जो डोली है गौरीकुंड से आ जाएगी, केदार बाबा के मंदिर तक पहुंचेगी। तो अभी हम आपको तैयारियां दिखाते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही है। आप पीछे देख पा रहे हैं फूल आए हैं, फ्लावर पूरे एकदम आ गए हैं और सजावट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। जो मेन जो घंटे वाला द्वार बना हुआ है उसकी सजावट लगभग पूरी हो चुकी है, हम थोड़े लेट आए हैं बट फिर भी हम आपको पूरी सजावट दिखाएंगे किस तरीके से तैयार किया जा रहा है मंदिर, कैसा इस बार जो बाबा का दरबार है वो सजेगा वो पूरा आपको दिखाएंगे। आधा आज सजेगा, आधा कल सजेगा और कल डोली भी आ रही है। फिलहाल दिखाते हैं आपको कैसा सज रहा है, आइए। तो ये आज है ना, नीचे से काफ़ी सारे यात्री जो हैं वो यात्रा ओपन होने से पहले ही आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो जो मंदिर, ये जो मंदिर का प्रांगण है ना वहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और इधर में जो तैयारी चल रही है अब आपको वो दिखाते हैं। तो ये जो आप सारे भाई लोग देख पा रहे हैं ये सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं जो कि तैयारियाँ कर रहे हैं। भाई बाबा के दरबार आए और आपने सेवा नहीं करी किसी भी तरीके से ना तो फिर क्यों आए? तो सेवा चल रही है भाई, कब से लगे पड़े हो? लगभग हमको हो गया है 3.5 घंटे। 3.5 घंटे हो गए और भाई गेंदे के फूल हैं सारे और एकदम फ्रेश हैं और ये अभी तो जो घंटा लगाना है अभी बाबा के दरबार के आगे उसकी तैयारी चल रही है, मंदिर की तैयारी जो है कल चलेगी। फिलहाल हम भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, सेवा करते हैं। एक एक फूल तो निकालने पड़ेंगे ना? हाँ, एक दो फूल निकालते। तो भाई फिलहाल हम भी बैठ गए हैं यहाँ पे, जो माला बन रही है ना वो ऐसे उनको लंबी करनी है, मतलब छोटी छोटी आई है माला उनको लंबी करनी है, तो करते हैं और बाबा के दरबार में हम भी थोड़ा सा हाथ बटा लेते हैं भाई। हर हर महादेव। भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी क्वांटिटी के अंदर में जो फूल हैं वो यहाँ पे आए हैं, ये सारे गेंदे के फूल हैं और ये सारे मंदिर पे लगने वाले हैं। अभी ये जो मंदिर के सामने घंटा तैयार होगा उसके बाद में यहाँ की तैयारी चालू होगी, उससे पहले मंदिर महाराज जी भी जो है उनकी भी सजावट स्टार्ट होगी। बाकी फूल देखो कितने सारे हैं, लगभग लगभग एक छोटी जो ट्रक होती है ना उतना लगभग फूल होगा ये पूरा, और इस तरफ में जो मेन ऊपर की सजावट होनी है वो भी पूरी फूलों से होगी। ये देखिए कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे भी फूल हैं, इनसे तैयारी कर रहे हैं। देखो अभी भाई ये कहाँ से आए हैं भाई, फूल वगैरह कुछ बता पाओगे? हैं भाई दिल्ली से आए क्या? तो इस तरीके की सजावट चल रही है, वो देखो सामने जो सांकिया बनाया जा रहा है, ये सारी तैयारी आज जितनी हो पाएगी उतनी होगी और बाकी जो है कल पूरा बाबा का दरबार है वो सज जाएगा। तो भाई तैयारियां तो हमने आपको बताई कि इतने सारे फूल आ रखे हैं, तैयारियां चल रही है और इसके साथ साथ कल जो बाबा की डोली यहाँ पहुँचेगी ना उससे पहले और तगड़ी जो तैयारी है ना वो कर दी गई है। सामने आप देख पा रहे हैं नीचे जो घोड़े हैं ना उन घोड़ों पे जो ये फूल हैं सारे हैं ना, इन कट्टों के अंदर में जो गेंदे के फूल हैं वो और आ रहे हैं और अभी क्या पता कल भी आएँ और भव्य सजेगा भाई बाबा का दरबार। आप देखोगे ना तो देखते रह जाओगे, पिछले साल भी सजा था, इस साल भी सज रहा है और जो फाइनली जो दिन था 10 मई वो नज़दीक आ गया और कल बाबा की डोली लगभग 12-1 बजे के आसपास से अपने दरबार पहुंच जाएगी केदारनाथ धाम में और कल पूरे दिन यहाँ पे जश्न चलेगा। परसों मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं तो उस टाइम भी आपको कपाट खुलने की ओपनिंग की वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे तैयारी चल रही है बड़ी ज़ोरों शोरों से और खुशी का माहौल है भाई, चारों तरफ जयकारे लग रहे हैं और नगाड़े बजने भी स्टार्ट किए, वो भी बजने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों मंदिर की जो सजावट है वो तो हो ही रही है, उसके साथ में आज यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री हैं ना पूरे भारत से, लगभग लगभग भाई हर स्टेट से ना यहाँ पे लोग आ चुके हैं और साथ में जो ये पीछे मंदिर के पीछे वाली साइड भीमशिला है वहाँ पे ना काफ़ी सारे टेंट भी लग गए हैं, लोगों ने जो पर्सनल टेंट लेके आते हैं ना उन सब ने अपने टेंट वगैरह यहाँ पर लगा लिए हैं।
मे बी ये दो तीन दिन तो लगा पाएंगे, जब तक 10 तारीख को ओपनिंग होगी ना शायद इनको यहाँ से उठा देंगे। बाकी ये इन्होंने अपने पर्सनल टेंट यहाँ पे लगाए हैं, ये सारे पर्सनल टेंट हैं यहाँ पे, ये किराए पे नहीं देने वाले हैं। जो लोग पूछ रहे थे भाई कि मंदिर के आसपास में टेंट वगैरह मिल जाएंगे, तो मंदिर के आसपास में टेंट पे एक भी टेंट नहीं लग रहा है भाई। आज जो मौसम है ना, शाम के 4 बजे के बाद में पूरा एकदम कोहरे वाला और धुंध और चारों तरफ, तो आप देखोगे पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहे ना पीछे वाले ना साइड वाले, पूरे एकदम बादल नीचे तक आ रहे हैं। बट फिर भी है ना इस ठंड के अंदर भी यहाँ पे तैयारियाँ एकदम जोरों शोरों से चल रही है, हाथ सुन पड़ रहे हैं, काफ़ी तगड़ी वाली ठंड है। मतलब हाथ जेब के अंदर रखे ना तभी ठीक है, बाहर निकालो तो प्रॉब्लम है। फिर भी भाई तैयारी है ना जोरों शोरों से चल रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, बारिश होने लग रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है हल्की हल्की हो रही है। तो जब आप यात्रा करने हैं तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखें भाई, बारिश कभी हो सकती है, रेनकोट या छतरी अपने साथ में अवश्य लेके आएँ। और ठंड के कपड़े तो यहाँ मिल रहे हैं, अब दुकानें लगनी स्टार्ट हो गई है। ये जो रास्ता है इस रास्ते पे दुकानें नहीं लगी हुई थी, पर आज देखो यहाँ पे अच्छी खासी क्राउड है, अच्छी खासी पब्लिक आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत के हर कोने से लोग आ रहे हैं, भारतवर्ष पूरा यहाँ पधार रहा है खुशी में, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की खुशी में। तो ये सीन तो देखने को बनता है, ये कल पूरा भर जाएगा, ये प्रांगण कल आपको दिखाएंगे, तो आज और कल के नज़ारे में दिन रात का फ़र्क होगा। और हाँ, अभी जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पहुँचे हैं वो सारे क्रिएटर हैं भाई, जो कई यूट्यूब से इंस्टाग्राम से वो सारे ज़्यादा लोग पहुँचे हैं, बाकी जो यात्री हैं वो भी नहीं आए हैं। यात्री एक दो दिनों के अंदर कल डोली के साथ आ जाएंगे, अदरवाइज 10 तारीख को जब ओपनिंग होगी तो सुबह सुबह लोग पहुँच जाएंगे दर्शन करने के लिए, कपाट खुलते हुए बाबा के देखने के लिए। भाई सजावट में अभी हमने देखा था कि ओम बनाया गया और जो स्वास्तिक है वो बनाया गया था, और अभी बनाया जा रहा है यहाँ पे शिवलिंग। ये देखो भाई कितना ही प्यारा फूलों से शिवलिंग तैयार कर रहे हैं भाई लोग। कहाँ से हो भाई? कहाँ से हो? ऋषिकेश से। सजावट करने के लिए पूरे ऋषिकेश से आ रखे हो? क्या बात है, ये भाई शिवलिंग बनाया जा रहा है बहुत ही शानदार। और ये भैया जी, आप भी भैया जी सुंदरम इवेंट से ऋषिकेश से हम लोग आए हैं बाबा की सेवा करने। अच्छा, सेवा करने के लिए आपकी तरफ से पूरा डेकोरेशन किया जा रहा है? क्या बात है, तो भाई बहुत ही प्यारा शिवलिंग बनाया गया है। उससे पहले मैंने आपको स्वास्तिक और ओम दिखाया था, ये सारा इधर में रखें, कल ये मंदिर के ऊपर लगेंगे, पूरी सजावट मंदिर की कल हो जाएगी। अभी जो है भाई शाम का टाइम हो गया और अंधेरा हो गया पूरा, अभी यहाँ पे ना लाइटिंग वगैरह चालू नहीं की गई है, बट तैयारियाँ जो थी वो लगभग ये जो है पूरा तैयार हो गया, जो यहाँ पे घंटा लगा है बाहर वो पूरा सजा दिया है, बाकी तैयारियाँ जो है वो रात में भी होगी और कल दिन में भी यहाँ की पूरी तैयारी चालू रहेगी और कल बाबा की डोली पहुँचेगी। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, और एक सबसे मेन चीज़ आपको बतानी थी, ये जो यहाँ पे तैयारी चल रही है, सजावट की जा रही है, ये ऋषिकेश पुष्प समिति और गुजरात में भी एक समिति है, उनकी तरफ से मिल के ये पूरी सजावट की जाती है, और हर साल इन्हीं की तरफ से ये सजावट की जाती है। तो भाई ये सजावट क्या शानदार रहती है, आपको कल भी दिखाएंगे, और आज तो भाई दिल्ली प्रसन्न हो गया बाबा के मंदिर की सजावट देख के। फिलहाल करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना। बाय बाय जी। तेरा पहुंच गया हिसाब।